हेलो स्टूडेंट, आज एक बार दोबारा से हम बीएससी पर स्वागत करते हैं और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। जैसे आपने लेक्चर नंबर 3, 2, 1 अगर आपने देख रखे हैं, इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कर रहे होंगे। इससे पहले आपका लेक्चर नंबर 3 देखना काफ़ी जरूरी है, उससे काफ़ी चीज़ें मैं लिंक करूँगा यहाँ पर। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो जाकर भी आप देख सकते हैं, वहाँ से हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो जैसा आपको बता रखा है वही स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो वो बता रखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा एक ऐसा रिएक्शन होता है जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्टेंट वो हमारा चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, हो रहा है प्रोडक्ट, तो इस दौरान जो रेट होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रेट लॉ बनकर आता है। इस तरीके से हमने अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा हो तो इस तरीके से बता रखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रेट, अभी ए की पावर कितनी है, जीरो, और ए का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट, ये मतलब है ना ए का, ए की पावर जीरो। अपने अगर एट का से बड़ा और किसी की पावर जीरो होती है तो वो बराबर होता है वन के, मतलब रेट इज इक्वल्स टू के। अगर आप लेक्चर में थ्री देखो बता रखा है कि जीरो ऑर्डर में जो हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि पावर तो जीरो हो जाती है, वन हो जाता है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो होता है जहां पर कंसंट्रेशन की पावर कितनी होती है, जीरो। मैं उसी चीज को लिंक करते हुए सिंपल से यहां पर समझा रहा हूं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, तो जैसे मान लो कि हमारा ये रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट, तो इस दौरान जो रेट होगा वो बराबर होता है के ए की पावर, सिंपल सा मतलब। जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है, रेट कंसंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल है, यहां पर किसी प्रोपोर्शनल होगा वन, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम देख रहे हैं कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जो कि पेपर में पूछेगा, रेट का और कंसंट्रेशन का डायरेक्टली है, और डायरेक्टली ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके, कोई दिक्कत, रेट और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है हमारा, डायरेक्टली, क्लियर हुआ भाई। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर आता, इसे नोट करेंगे फटाफट से, ओके क्लास, क्लियर आता। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जैसा हमने जीरो ऑर्डर में किया था, इक्वेशन निकाली थी, यहां पर भी इक्वेशन निकाल रहे होंगे, बड़ा सिंपल तरीका से बता रखे हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जो रेट का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, के ए की पावर वन। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो रिएक्टेंट किसमें चेंज होता था, प्रोडक्ट में, अभी भी यही हो रहा है। यहां से रेट को निकालने का फॉर्मूला ये भी तो सकता है, -1/1 dA/dt। भाई जीरो ऑर्डर में क्या होता था कि पावर हो जाती थी जीरो, यहां पर पावर क्या हो जाती थी, जीरो, जीरो ऑर्डर में, बट यहां पर पावर क्या हो रही है, वन, मतलब इसकी वैल्यू है, नहीं समझे भाई। जब रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट, सॉरी, जो रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया, वन, कोई दिक्कत, ये भी रेट का फॉर्मूला है, ये भी रेट का फॉर्मूला है, तो कंपेयरिंग वन एंड टू तो हम बोल सकते हैं कि के ए की पावर वन इज इक्वल टू -1/1 dA/dt। यहां से मैं के डी टी को डी ए बाय ए बोल सकता हूं, माइनस साइन लगाया से कर, क्लियर आता। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जैसे ही मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा इस तरीके से, के तो कांस्टेंट होता है, तो अगर कांस्टेंट मैंने साइन बाहर निकाल दिया, बचा क्या, डी टी और डी ए बाय ए इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो मैंने माना
तो कंसंट्रेशन मैंने मानी ए नॉट, क्या मानी ए नॉट, ए नॉट का मतलब क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या मतलब होता है इसका इनिशियल, और जब टाइम हो गया टी तो कंसंट्रेशन हो जाएगी ए, ए का मतलब क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहे हैं उसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब टाइम जीरो तो कंसंट्रेशन ए नॉट, जब टाइम टी तो कंसंट्रेशन ए, क्लियर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी जीरो से टी, और डी ए वाई अगर आपने पढ़ा हो कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, इट मींस लॉग ए, बचेगा क्या ए नॉट बाय ए, क्लियर, ये बन जाएगा माइनस के टी, एक बार टी की जगह पर टी, एक बार जीरो आ जाएगा टी माइनस जीरो टी हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा लॉग, एक बार ए की जगह पर ए और एक बार ए की जगह पर ए नॉट, क्लियर है आता, देख लो फटाफट इसमें कोई दिक्कत है तो, क्लियर है, एक बार ध्यान रखना जो ये लॉग आता है हमारा ये बेस ई पर होता है, इस पर होता है बेस, क्लियर है, ज्यादा आपने लिख लिया होगा फटाफट लिखेंगे, ओके देख अगर मैं इस चीज को देखूं यहां से मिटा देता हूं, देख log ea क्या बचा मेरे पास log ea माइनस log ea नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टी, ये हमारे पास आ गया, अब ध्यान से सुनिए बिल्कुल फटाफट, यहां से मैं log ea को इसको मैंने लेकर जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा log ea नॉट माइनस के टी, क्लियर आ रहा है, देख लो फटाफट से, क्लियर, यहां तक कोई डाउट आना चाहिए, अब मैं इसको लॉग, क्योंकि हमें पता है कि हमें वैल्यूज लॉग बेस 10 पर दे रखी होती है, ये किस में लॉग बेस ई को, तो हम चेंज कर रहे हैं लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में, कैसे करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2.303, तो यहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2.303 से मल्टीप्लाई, फटाफट देखिए ध्यान से बिल्कुल फटाफट, क्लियर, जो लॉग है उसी को मल्टीप्लाई करके कैसे ना मल्टीप्लाई हुआ यहां पर 2.303 से, भाई लॉग को चेंज करना था, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ जहां पर लॉग लॉग इसको ना लेकर आ गया, जैसे ही 2.303 आ जाएगा, जैसे ही आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे अपने आप क्या आ जाएगा लॉग 10, और यहां पर बहुत कई बच्चों डाउट हो यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया, भाई जो लॉग है उसी को चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए जहां पर लॉग है सिर्फ वहीं से वहीं पर आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक, लॉग 10 ए 2.303 log 10 a naught divided by 2.303 minus kt by 2.303, तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है सर, इसके नीचे और इसके नीचे, तो यहां से पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा, क्लियर, ये बचेगा मेरे पास, जब ये बचेगा log 10 a naught minus kt by 2.303, इसको मैं लेके जा रहा हूं, इसको लेके जा रहा हूं, तो kt by 2.303 is equal to log 10 a naught minus log 10 a, ये मैंने, अब अगर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हो मैथ्स में kt by 2.303 log m minus log n, log m by n हो जाता है, यानी log 10 a naught by a, क्लियर, यहां से मैं t को 2.303 डिवाइड बाय k log 10 a नॉट बाय a बोल सकता हूं, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि टाइम निकालने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा 2.303 बाय k log 10 a नॉट बाय a, और a नॉट का मतलब क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान सुनिए a नॉट का मतलब क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का मतलब क्या है फाइनल बोल दो या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, कि जब इनिशियल खत्म हो चुका है तो कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं ए, क्लियर है, फटाफट इसको नोट करें, फिर मैं इक्वेशन वगैरह पे आते हैं, कर लिया नोट, फटाफट नोट करेंगे इसको, ये दो इक्वेशन आपके सामने, एक ये वाली, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये टाइम पीरियड निकाल लेगा, क्लियर है दोस्त, अब यहां तक हमने रेट लॉ देख लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लिया, अब कुछ फर्स्ट ऑर्डर वाले का ग्राफ है वो क्लियर होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है, पहला ग्राफ जो हम सबसे अच्छे तरीके जानते हैं कि रेट का और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो कुछ तरीके से बनता है आपका,
किसके अकॉर्डिंग, आर इक्वल टू के ए के अकॉर्डिंग, क्लियर है, ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। दूसरा ग्राफ देखेंगे, दूसरा ग्राफ जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट और टाइम के बीच में ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, इनवर्स रिलेशन होता है। तो समझाते हैं कैसे होगा। इक्वेशन आपने पढ़ी हो, log tan a इक्वल टू log tan a नॉट माइनस के टी बाई 2.303। देख लो रेट का और टाइम का जो ग्राफ है, रेट का और टाइम का जो हमारा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, क्लियर है। अगर नहीं समझ में तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि रेट और टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, रेट और कंसेंट्रेशन ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्ट, क्लियर। तीसरा देखेंगे फटाफट से, तीसरा हमारा ग्राफ बन रहा है log tan a के बीच में, log tan a के बीच में और बन रहा है टाइम के बीच, ये बनेगा हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ, इसे हम बोलते हैं थीटा, क्लियर। और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता ही पूछता है, यहां से अगर मैं स्लोप निकालू tan थीटा तो बराबर होता है tan थीटा के, यहां से भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं इस तरीके से, हमारा स्लोप निकलेगा माइनस के बाय 2.303। कैसे, अगर मैं ये इक्वेशन देखूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन होती है मेरी, जानते हैं इस बात को, क्लियर है, क्लियर है, ठीक, माइनस एम एक्स प्लस सी, ये हमारा y हो गया, क्लियर। अब इसको चेंज करना पड़ेगा उस तरीके से, हमारे समझ लो, समझ इसको ले सकते हैं हम लोग क्या, माइनस के टी बाय 2.303 प्लस log tan a log। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई सी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट, टाइम तो वेरी कर रहा है, तो कॉन्स्टेंट क्या चीज है, इनिशियल कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट, वो चेंज हो ही नहीं सकती, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। भाई सी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट, आप जानते हैं लोग, तो अगर ये हम देख रहे, अगर हम इसको पीछे रखेंगे तो टाइम तो वेरी कर रहा, तो कॉन्स्टेंट तो रहेगा नहीं, तो कॉन्स्टेंट चीज को लाने के लिए हमने यहाँ पर यह रखा होगा, क्लियर। अब एक्स का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या होगा हमारा, टी, तो बचा हुआ स्लोप हो जाएगा माइनस के बाय 2.303 हमारा क्या बन जाएगा, स्लोप, क्लियर, पेपर में क्वेश्चन आता है, क्लियर। फटाफट मतलब तीनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन फटाफट से इसको पेपर में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे। देखिए अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो आपने जीरो ऑर्डर में पढ़ रखा हो कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें अगर मान लो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन, सिंपल सा मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो टाइम जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, सिंपल सा मतलब ये होता है, वो टाइम जिसमें हमारी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मान लो मेरी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है तो फाइनल क्या हो जाएगी, ए नॉट बाय 2, इनिशियल ए नॉट तो फाइनल क्या हो जाएगी, ए नॉट बाय 2, और फाइनल को हम रेमेडी ही बोलते हैं। मैंने हाफ लाइफ क्या बताया, वो टाइम, वो रिएक्शन जिसमें 50% कंप्लीट हो जाए, टाइम, ठीक है ना, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो, आधी कंप्लीट हो चुकी है, अगर पहले, अगर इनिशियल 100 है तो फाइनल रेमेडिंग क्या हो जाएगी, 50, इनिशियल 50 फाइनल क्या हो जाएगी, 25, इनिशियल ए तो फाइनल ए नॉट बाय 2, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ध्यान सुन, टी का फॉर्मूला होता है 2.303 बाय के log tan a नॉट बाय ए, ये तो हम जानते ही जानते हैं, क्लियर है। हम कौन सा निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ, यानी हाफ निकाला तो मैंने हाफ लगा दिया, क्लियर है, 2.303 बाय के log tan a नॉट, और a की वैल्यू क्या है, a नॉट बाय 2, 2.303 बाय के log tan 2 यहां पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, log 2, क्लियर, t half is equal to 2.303 by k और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, बन जाएगा आपका 2.30, बन जाएगा 0.693 by k। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पता करिए कि उसका हाफ लाइफ क्या होगा, ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, क्लियर है, फटाफट से इसको बनाएंगे।
अब सुन ध्यान से, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या निकला हमारा, 0.693 बाय के आता है। अगर मैं हाफ लाइफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, सोच के बताना। हाफ लाइफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा भाई। हाफ लाइफ के फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन दिख रही है आपको, 0.693 कांस्टेंट, के भी क्या होता है कांस्टेंट। जब आप मुझे बता दो कि इस फॉर्मूले में आपको कहीं ए नॉट दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाफ लाइफ है वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब इसका और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कॉन्स्टेंट। क्लियर है, क्लियर है, फटाफट लिखेंगे इसको। वेरी गुड। क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रूव कीजिए कि टी 75% इज इक्वल टू 2 × t 50%। ठीक, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं, एक टी 99 को लेकर होता है, ये होता। मैं थोड़ा अच्छे से दिख रहा था, और एक वाली बात समझ आ रहा कुछ। टी सेवन जल्ला मतलब जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगा तो प्रूव करना है कि वो बराबर होता है, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी उसका दोगुना, ये मैं प्रूफ करूंगा। क्लियर, ध्यान से समझिए। पेपर में क्वेश्चन आता है, तीन नंबर का सीधा आता है, आपको करना ऐसे ही है, जैसे करो वैसे करते पेपर में। अगर मैं 50% कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं 50% कंप्लीशन, तो ध्यान सुन, 50% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी आधी बची हुई है। मान लो अगर इनिशियल में 100 है तो बाद में कितनी आ जाएगी, 50। अगर इनिशियल ए नॉट है तो बाद में कितनी आ जाएगी, ए नॉट बाय, ये बनेगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं टी 50% लेकर चल रहा हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2.303 बाई के लॉग 10 100 बाय 50 और इनिशियल 100, फाइनल कितनी हो जाएगी 50, बची हुई कितनी है 50, क्योंकि 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो 2 आएगा, यानी 0.693 बाई के, अभी पीछे कर रहा था, लॉग 2 आएगा, लॉग 2 की वैल्यू आप डाल देंगे आपको 0.693 बाई के मिल जाएगा। यहाँ इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 2.303 by k log 10 2, clear है? This is for the 50% completion equation। अगर मैं 75% completion लेके चल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना कि 75% का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल में 100 है तो 75% कंप्लीट हो चुका है, तो 100 में से 75 कितना बचा, 25, तो फाइनली कितना आ जाएगा 25। बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि पहला 100 तो फाइनल 25-75, नहीं, 75% का मतलब है कि इनिशियल अगर 100 है तो 75% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा, 25। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से t 75% निकालूं तो क्या निकलेगा, 2.303 by k log 10 a नॉट, इनिशियल कितना है 100, फाइनल कितना है 25, मैं भी गलत हूं, फाइनल कितना है 25, 25 कितना हो जाएगा 4, और 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। क्लियर, अगर आपने एक बेस में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग एक्स की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एक्स, ये मैथ्स में प्रॉपर्टी होता है, मतलब लॉग के अंदर जो वेरिएबल उसकी जो पावर है वो आगे आकर पावर आगे पावर नहीं आगे आ जाती है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2 आगे आ जाएगी, 2 × 2.303 by k log 10 की पावर 10 की 2 और t 75%। क्लियर, दिस इज इक्वेशन। अगर मैं टी 75% को डिवाइड करूं टी 50% से तो टी 75 में ये आ रहा है, तो 2 × 2.303 by k log 10 2, और टी 50 में क्या था याद कर लो, भी अभी लिखा होगा 2.303 by k log 10 log 10 2, इसे ये कैंसिल, इसको बोलो क्या बचा 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, T 75% is equal to 2T 50%। क्लियर हो गया, प्रूव हो गया, हेंस
क्लियर है, पेपर में ऐसे ही आपको एज इट इज कर कर आना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, जरा फटाफट पहले इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम वैसा ही, अगर ना हो तो फिर मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, से मैं कराऊंगा ही। एक आप लोग घर से ट्राई करना है, ये वाला जरूर पेपर में आते मैं दे रहा हूँ आपको। T99.9% इज इक्वल टू 10T50%, ये आपको प्रूव करने के लिए पेपर में आता ही आता है कि जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी वो बराबर होता है आधे रिएक्शन के 10 times, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, ट्राई करेंगे, ना हो तो फिर मैं करा ही दूंगा। सो फटाफट नोट करें क्वेश्चन। ओके क्लास, तो आप बता रहा, आपको बता दिया गया है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, फ्लूइड की इक्वेशन क्या होती है, क्या प्रूफ करने के लिए वो बता दिया गया है। कुछ एग्जांपल अगला पेपर हो सकता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपसे पेपर में हो सकता है, तो पूछेगा आपसे। क्लियर, पहला आपको ध्यान में रखना है जो आपका रहेगा, दैट इज जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज हो रहा होता है। दूसरा अगर बात करें तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको पेपर में एज इट इज लिख कर आना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहले आपको आपसे पेपर पूछेंगे बट राइट सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या करना है, पहले लिखना है न्यूक्लियर फिजिक्स पे, दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा आप लिख कर आएंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। क्लियर, केन शुगर के इन्वर्जन में भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर यूज हो रहा होता है। तो अच्छा अगर बात करें तो ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, वहां पर भी कौन यूज हो रहा था, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था, पूरा टोटली कंप्लीट कर दिया गया है कि हर एक क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन कराएंगे, हर एक डेरिवेशन साथ कंप्लीट कर दिया गया है। ये आप एग्जांपल्स, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ, फटाफट लिखेंगे इसको, डाउट नहीं तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.5, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में काफी बार पूछा गया आपके सीबीएसई एग्जाम में, और इस बार भी आने के काफी चांस है। देखें कैसे करते, क्वेश्चन बोला कि हमारे पास एक रिएक्शन है, किस तरीके से बोला रिएक्शन देखिए, बराबर रिएक्शन हमारे पास है N2O5 चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये भी गैस में, गैस में, और ये भी किसमें है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, भाई जब हम जानते हैं ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या है प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी हमको ए नॉट दे रखा है कितना 1.24 × 10⁻²। देखो पेपर में केमिस्ट्री एग्जाम में नंबर आने का तरीका यही होता है कि आपको जो जो दे रखा फटाफट लिखते जाओ, क्लियर है, जैसे ही आप लिख लोगे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, जो जो दे रखा फटाफट लिखो, दे रखा हमको इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या है, हमको ए नॉट दे रखा है, ये मतलब हुआ इसका, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 after 60 minutes, यानी T की वैल्यू क्या हो गई 60 minutes, और फाइनल कंसंट्रेशन हमको कितनी दे रखी है 0.24 × 10⁻², ऐसे कुछ देखते हैं 0.2 दे रखी है, क्लियर, कोई दिक्कत, हमसे क्या बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट के, हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको वैल्यूज लिखने का तरीका है कि क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं दे रखा है, तो आप बड़ी इजिली सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक। अगर जानता हूं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2.303/k log 10 a0/a, ऐसे मैं कर सकता हूं, यहां से ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर, तो मेरा k का फॉर्मूला ये बन जाएगा, आप ध्यान सुनिएगा भाई, k = 2.303/t log t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60, a0 मतलब इनिशियल कितना मेरे पास 1.24, 10⁻², 0.2 × 10⁻², इसी पूरा आंसर, क्लियर है, एक पॉइंट ऊपर जाएगा एक पॉइंट नीचे आएगा, क्या बन जाएगा 100, एक जीरो कैंसिल, 2 6 = 2 2 4 क्या बन जाएगा 6.2, 2.303
60 log 10 क्या बन जाएगा 6.2। कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो आराम से, क्लियर है। और जब आप लॉग 6.2 की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आपको के मिल जाएगा 0.0304 पर मिनट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अवर के, क्लियर। आपको एग्जाम में एज इट इज लिखकर आना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को, यदि कोई डाउट है इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है जो वैल्यूज रख लीजिए और सिंपल सॉल्व हो जाता है, क्लियर। फटाफट देखेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.6 देखेंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बेस पर एक एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, वो भी आपको देखने घर से कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको दोबारा से वही क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है। कुछ आपको डाटा भी देखकर ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इस तरीके से दे रखा है 2N2O5, यहाँ लिख देता हूँ N2O5 बराबर है ट्वाइस ऑफ N2O4 प्लस ऑक्सीजन, ये हमको दे रखा है। और कुछ आपको सीरियल नंबर टाइम टोटल पर जाएगा, आपके पास एनसीईआरटी है क्योंकि मैं बनाऊंगा ना, यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी ध्यान से भी देखेंगे, ये मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये आपको दे रखा हुआ कुछ टेबल इस तरीके से ना, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान हमसे बोला कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूँ फटाफट ये मेरे पास, अगर मैं टाइम इक्वल टू जीरो लेकर चल रहा हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि जो जीरो टाइम पर N2O5 का प्रेशर कितना है 0.5 atm, ये मुझे इस यहाँ पर दे रखा है, तो लिखकर आप डाटा दे सकते हैं। जब टाइम जीरो है तो प्रेशर इतना है किसका, इसका, बाकी इन दोनों का प्रेशर कितना हो जाएगा जीरो, क्लियर। जब थोड़ा सा टाइम खत्म हुआ t = t पर, यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर कितना प्रेशर खत्म हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, क्यों यहां पर 2 की जगह 3 लगाया, क्योंकि इसका क्या लिखा हुआ है, ये समझो भाई इतना प्रेशर था, जब टाइम खत्म चलेगा खत्म होगा चल जाता जाएगा थोड़ा बहुत तो प्रेशर खत्म ही होगा ना, और कितना प्रेशर खत्म होगा जितना ये, इसको मैंने मान लिया x आगे 2 तो मैं लगा दिया 2x। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। इसको भी क्या मान लो x, आगे क्या लिखा हुआ है 2x, इसको मान लो x आगे लिखा हुआ है 1, तो मैं लिख दिया सिंपल x, क्लियर है, कोई दिक्कत भाई। देख लो जीरो टाइम पर प्रेशर इतना इतना, जब टाइम खत्म हुआ तो इतना इतना बढ़ गया, क्लियर। यहां का देख लो फटाफट से, कोई दिक्कत है तो क्लियर। अब सुन ध्यान से, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो कितना होगा, प्रेशर ऑफ N2O5 प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यही तो होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, इसका 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 टोटल प्रेशर। अब इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 - 2x, इसकी वैल्यू कितनी है 2x, इसकी वैल्यू कितनी है x, बराबर है टोटल प्रेशर, इससे ये कैंसिल। यहां से मैं x को क्या बोल सकता हूं, x को 0.5 - pt, क्लियर है। फटाफट देख लेंगे इसको भाई, x के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, सॉरी प्लस का साइन है, ठीक है ठीक है, x बन जाएगा आपका pt - 0.5, क्लियर है। यहां पर आके माइनस हो गया, क्लियर है, देख लो फटाफट से, यहां तक क्लियर है। अगर मैं प्रेशर ऑफ N2O5 की बात करूं तो क्या बन जाएगा मेरा, यही फॉर्मूला रहेगा 0.5 - 2x, देख लो भाई ये तो फॉर्मूला है इसका 0.5 - 2x। कब की बात करें, जब टाइम जीरो है, ये सब कंडीशन कब की है, टाइम जीरो पर, मतलब इनिशियल प्रेशर निकाल रहे हैं हम लोग, समझे। 0.5 - 2 एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये pt - 0.5 - 2pt माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, क्लियर है। और 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.5 - 2pt, इसके बराबर है प्रेशर ऑफ N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1.5 - 2 टोटल प्रेशर, क्लियर है। फटाफट देखेंगे इसको, क्लियर है क्लास, देख लो फटाफट। अगर मैं टाइम 0 100 की बात करूं, एट टाइम इक्वल टू 100, तो क्वेश्चन में ही हम लोगों को दे रखा है कि जब टाइम 100 हो जाएगा तो टोटल प्रेशर आपका हो चुका है कितना 0.512 atm, क्लियर। कोई दिक्कत, पीटी की वैल्यू कितनी है 0.512, तो पीटी की वैल्यू डाल दूंगा यहां पर,
वहां डाल दूंगा मैं यहाँ पर 0.512। कैलकुलेट करने के बाद आपकी PN2O5 आपको आना चाहिए 0.476 ATM। मतलब इसका प्रेशर कितना है 0.476 ATM और फाइनल प्रेशर कितना है मेरे पास 0.512 ATM। इसको फटाफट लिखेंगे। ओके क्लास, तो ध्यान से लेंगे हमें। अब यहां से हमें क्या समझ रहा है, इनिशियल प्रेशर कितना है भाई, देख लो टाइम जीरो पर कितना है N2O5 का 0.5 और फाइनल कितना आया इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.476। नहीं समझे भाई, देखो मैं समझाता हूँ आप लोग, अगर आपने लिख लिया है तो इतनी लंबी चीजें मैंने करी क्यों, क्या फायदा था इसको करने का। देख ध्यान से, टाइम पीरियड का फॉर्मूला या के का फॉर्मूला 2.303/T log 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन होता है ना, तो उसी तरह अगर जब प्रेशर आ जाए तो क्या बन जाएगा, इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर। पता है इनिशियल प्रेशर कितना था उस ग्राफ, उस क्या बोलते हैं हमारे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको उस ग्राफ के अकॉर्डिंग या उस टेबल के अकॉर्डिंग इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 और फाइनल कितना होगा 0.5 - 2x। तो मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 0.476। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, कितना आया 0.476। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को डाल सकता हूँ, ये बताइए सुन मैं क्यों करा, नहीं आया तो पूछ लो क्लियर। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा 2.303/T और टाइम कितना हो जाएगा, कितने टाइम में कंडीशन हो रही है हमारी 100 टाइम में हो रही है, कितने हो रही है 100 log 10। इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 और फाइनल कितना है 0.476। देख लो यहाँ तक क्लियर है तो डाउट तो पूछ लो फटाफट से। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद अभी k की वैल्यू आनी चाहिए 4.98 × 10⁻⁴ पर सेकेंड एंड दिस इज द योर आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फटाफट नोट करें इसको। ओके क्लास क्लियर यहाँ तक, तो आज आप लोग क्या बताइए फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से ग्राफ बनेंगे, सारे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, प्रीवियस जितने क्वेश्चन उठा लेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट एक आपके दो लेक्चर्स और लगेंगे, एक आपका जो क्वेश्चंस के लिए आएगा, एक आपका जो टॉपिक है उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्लियर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए आराम से।